राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। प्रश्न नंबर 10 पे, अब उत्पत्ति तीन ही चल रही है। आयत नंबर 20 में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहनाए, यानी भगवान उड़े खड़ा था, उन तक बात करे था, उनके कपड़े बनवाए, चमड़े के अंग रखे और उनते पर आए, तो निराकार की तरह गया। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखना ध्यान से, ऐ है हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि परमात्मा इनके हिसाब से वो देवता हैं और एक से अधिक हैं। ऐ है। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि एक से अधिक प्रभु हैं बाइबल में, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के फल वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे देखो, अब देखना एक से अधिक। प्रश्न नंबर 23 पे और उत्पत्ति 16 में, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, बताओ निराकार की तो हो गया, दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति मचल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बंधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा, हो जाएगा। आगे देखिए, ये तो साकार हो गया सिद्ध। आगे दिखाते हैं, ये देखिए 24 पृष्ठ पे, अपनात्मा कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा परमात्मा कैसा है। यहाँ देखिएगा 24 पृष्ठ पे, इसमें 18 नंबर, तीन अतिथि, 18वें अध्याय में, और इसके एक नंबर अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब योहा ने उसे दर्शन दिए। योहा परमेश्वर ने, जैसे योहा कहने लगे पहला परमेश्वर, योहा कहो चाहे परमेश्वर, इनके हिसाब से गॉड कहो चाहे योहा कहो, उसे दर्शन दिया। तब योहा ने उसे दर्शन दिया, यानी भगवान दिखा। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं, यानी ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह है की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले न जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वर्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ
और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं, उन्हें उन्होंने कहा जैसा तू कहता वैसा ही कर। अपने आत्माओं, अब इस दास के सामने समस्या आ रही है कि मैं कहूँ सारी सच्ची, और जिस भी धर्म के बारे में दास उनके सदग्रंथों के आधार से बताता है वह सारे विदकें अक्रामपाल झूठ बोल रहा है, तो आलोचना करता है, आलोचना कर रहा हूँ मैं, ये तो कत्ती तुम्हारे ग्रंथ पढ़ कर सुना रहा हूँ। जिस चैप्टर को आज तक आप नहीं पढ़ सके, जिस विवरण को, वो दास आपके सामने रूबरू करा रहा है और वो स्पष्ट है। अब ये वहाँ से वो तीनों चल कर कहीं और गए। आगे देखो, अब 25 पे 24 पे हमने पढ़ लिया यहाँ तक। ये 25 पे आ गया, इसके 18 की 16वीं आयत। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यूहन्ना ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब हमारा जो उद्देश्य वो लिखते हैं। फिर ये कहाँ चले गए? यहाँ आगे, ये कहाँ, यहाँ आगे, ये देखिएगा, ये वही 25 पृष्ठ है, हम पढ़ते आ रहे हैं। सांझ को वे दो दूत, एक तो कहीं और टल गया, दो दूत यानी दो भगवान सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कहा, मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। अपने आत्मा, अब इसमें कोई और कसर रहेगी? ये सिद्ध होने में कि भगवान नर आकार है, मनुष्य सदृश है, जितने भी देवता हैं ये सब साकार हैं, और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही सबके कंट्रोलर हैं। अब पवित्र बाइबल में, अभी आपने पवित्र बाइबल में पढ़ा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तकत पर जा विराजा। सातवें दिन तकत पर जा बैठा, तो जो तकत पर विश्राम किया वो तो क्लियर है परमात्मा साकार है, बात कर रहा है, वाटिका में टहल रहा है, तो फिर निराकार कितने गए? अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और उसका नाम कबीर है। ये पवित्र कुरान शरीफ शेरवाणी संस्करण, इसमें क्या लिखा है? यह वह किताब है, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं, कुरान शरीफ। मुतरजम है इसका, यहाँ देखो इसका अर्थ ये है, अनुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और कहाँ से ये छपी है?
मुद्रक हैं लखनऊ पब्लिशिंग हाउस 37 कंटोनमेंट रोड लखनऊ। अब देखो इसके पृष्ठ नंबर 604 से प्रारंभ करेंगे। सूरत फुरकानी 604 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी है ये, सूरत ये कुरान शरीफ है और सूरत फुरकानी 25 इसमें हम नीचे ये है इसका अरबी भाषा में और उर्दू में लिखी है। अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, ये भाषा अरबी है और लिखी गई उर्दू में है। जैसे ये हिंदी में लिख दी नागरी लिपि में इन काद जोलियलवान अन अलीहितान, इस तरह के ये सारे जो लिख रखे हैं ये है उर्दू भाषा और लिख ये ही रखे हैं। यहाँ देखो तो यहाँ इसमें 52वीं आयत देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बी ही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो कबीरा कहो। अब इसको इस कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको कुरान मजीद ये भाषा यानी लिखने में इसमें कुरान मजीद में और कुरान शरीफ में अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन अनुवादक ने अरबी भाषा से हिंदी नागरी में लिखते हुए उसको वो कैसे भी लिख सकते हैं कबीरा कबीरन। वो ये देखिए कुरान मजीद मुतरजम मैं अरबी मतन ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये देखिए मुतरजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का तहीर तसीही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब प्रकाशक वो है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, यहाँ से ये प्रकाशक है। इसका देखिएगा वही सूरत फुरकानी कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 हम लास्ट में आते हैं 52वीं आयत एज इट इज, स्थान का भी अंतर नहीं है इनमें। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरन कहो कबीरा कहो खबीरा कहो खबीरन कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची है। जैसे यहाँ आयत नंबर 58 में खबीरा लिख दिया इबादत ही खबीरा, इबादत ही माने इबादत के योग्य, इबादत माने पूजा, पूजा के योग्य खबीरा कबीरा कबीर। और 59 में भी लिखा है फस अल बीही अरहमानु रहमान फसल बीही खबीरा, खबीरा कहो खबीरन कहो कबीरा कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही आगे लेकर चलते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ रूपांतरकार है नंद कुमार अस्वथी अवस्थी और ये वही है कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं प्रश्न नंबर 604 पर आयत नंबर 52 ये देखिएगा ये सूरत फुरकानी है 25 फला तुतियल काफिरन व जाहिद जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन
ये 52 नंबर आए थे। न कबीरन कहो ते कबीरा कहो, ते कबीर कहो। अब यह इन्होंने अनुवाद भी किया है, यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा है। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ उनका सामना बड़े ज़ोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहाँ लिखना था कि वो ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में न आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना, और उस कबीर के लिए संघर्ष करना, वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते को ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं, 52 हमने पढ़ ली, और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची, अर्थ ये है ना कहने का, चला एक पानी, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का एक खारी कड़वा, और दोनों के एक में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी, यानी नीचे भगवान पृथ्वी में कुछ मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हजरत मोहम्मद को बता रहा है, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते, देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तार कर ले। अब 58 में और ए पैगंबर उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर इसका अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर, और उसकी तारीफ और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो हजर जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58 में हम पढ़ रहे हैं ना, इस खबीरा का इवादही खबीरा
वो पूजा की योग्य कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो, वह गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी कर दिया। यहाँ लिख रहा था वो कबीर नामक परमात्मा, वह कबीर नामक परमात्मा अपने अपने भक्तों के जिस उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का अपराधों का नाश कर देता है, और वह कबीर अल्लाह है, वह खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है, आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर, यहाँ देखो रहमान है, यहाँ 59 में जो कबीर शब्द है, अरहमानु यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन को एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। जी 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा, 6 दिन में सृष्टि रच के, 7वें दिन यू अल्लाह बड़ा यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठे जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है, तो उसकी खबर यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है, तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची तकत पर जा बैठा, किसी बाखबर, किसी बाखबर इलम वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और ज़मीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है, तो उसकी खबर, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये 59 आयत खत्म होगी। अपुण्य आत्माओं, इतने प्रमाण हैं हमारे सदग्रंथों में, अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है, और उसका नाम कबीर है, उसका नाम कबीर है, यही पवित्र वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है। हम उसको वो कबीर देव लिखते हैं वेदों वालों में, कबीर देव कबीर लिखा है, कबीर, हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे। अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं, गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध की है। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्मज्ञानी, शंकर द्वीप आए धुन ध्यानी, लोक दीप को हम ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़ कर बिस्मल की नी,
तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम सत कबीर अल्लाह दरवेशा, मनी मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा। दास गरीब अनहद थीरम, बजलो सतनाम और सत कबीरम। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले और उनको अपने सतलोक में लेकर गए, लोकदीप। यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर एक राजदूत भवन है, जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का होता है। यहाँ इस ब्रह्मांड में परमात्मा का एक अलग ठिकाना है, उसको ना ब्रह्मा जानता, ना विष्णु, ना शिव, और काल भी उस वहाँ नहीं पहुँच जा पाता। तो वहाँ परमात्मा कहते हैं, हम मोहम्मद को वहाँ ले गए और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी के यहाँ पर लाखों अनुयायी हो गए थे, लेकिन वहाँ वो अपनी सभी इच्छा से रहा नहीं। जब तक इच्छा वहाँ रहने की होगी नहीं तो परमात्मा रख नहीं सकते। कहते उल्ट मोहम्मद महल पठाया, उल्टा इस शरीर के अंदर उसको भेज दिया, उसकी आत्मा को लेकर गए थे। और कहते हैं उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने आप जी को गौ या कोई भी पशु बिस्मिल करने के लिए नहीं कहा, उसने केवल रोजा रखने के लिए और बंग और नमाज, मस्जिद में ऊपर चढ़कर आवाज लगाने को और केवल नमाज करने को ही कहा था, किसी गऊ को मारने के लिए नहीं कहा था। क्या था, एक बार क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद जी जब परमात्मा से मिलकर वापस उनको ले गए थे ये परमात्मा कबीर जी, तो कुछ समय मालिक के साथ रहने से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। वो परमात्मा इतना सिद्धि संपन्न है, जैसे चुंबक के साथ लोहे का टुकड़ा भी कुछ समय रखा रहे तो अस्थाई चुंबक बन जाता है, ऐसी सिद्धि हजरत मोहम्मद में आ गई। हजरत मोहम्मद जी एक दिन बैठे थे और उन्होंने किसी के बकरे को मार दिया अपनी सिद्धि से, और बकरा मर गया। अब वो व्यक्ति रोने लग्या कि स्वामी जी मेरे पास थे, ये गरीब के पास एक दो बकरे हैं और ये मर गया, मेरा क्या होगा। तो उसने सिद्धि से, उसको और भी बहुत से कुछ व्यक्ति वहाँ थे, चरवाहा भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पालते हैं वो लोग, तो उस हजरत मोहम्मद जी ने उसको जीवित होने का आदेश दे दिया, वो जीवित हो गया। तो उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जितने भी मुसलमान उसके अनुयायी वहाँ खड़े थे 10-20, उनकी भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सब जगह नगर नगर में ढंडोरा पीट दिया कि हमारे हजरत मोहम्मद जी नबी हैं और इन्होंने बकरे को जीवित कर दिया मार के। अब इस बात का जो दूसरे लोगों ने विरोध किया कि झूठ बोलते हो, ये हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा कर देगा तो हम इसको मान लेंगे, तो इस बात का विरोध होते देखकर चार व्यक्ति मिलकर हजरत मोहम्मद जी से प्रार्थना की। तो हजरत मोहम्मद जी ने कह दिया कि कहने लगे जी ऐसे ऐसे वो लोग कह रहे हैं कि आपका पीर कुछ नहीं कर सकता, ये पैगंबर तुम झूठ बोलते हो, उन्होंने बकरा मारकर जीवित नहीं किया, हमारे को झूठा बताते। तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि भी ठीक है, उनको बुला लो, हम एक गाय को मारकर जीवित करेंगे। कुछ उन लोगों ने भी आंट अड़ा दी कि ले तुम इस गाय को जीवित करवा दो, हम मान लेंगे। तो वो दिन निश्चित हुआ, वो गाय वहाँ पर खड़ी कर दी गई और बहुत से दर्शक इकट्ठे हो गए।
हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से गाय को मार दिया, लेकिन वो जीवित ना हुई, क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज होगी। तब परमात्मा को याद किया, कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया कि अरे शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्हा दरवेशा और मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा, यानी वो भ्रम गया और फिर कहा कि सचमुच आप तो परमात्मा हैं। चार यार मिल मसलत की नी, गौ पकड़कर बिस्मिल की नी, तब हम मोहम्मद याद किया रे। हाँ, ये दो समय ऐसा हुआ। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने स्वयं वचन से मारकर जीवित की, तभी यही स्थिति थी उनके साथ हो गई थी। तो क्या कहते हैं, मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, ऐसे पीर मोहम्मद भाई, जिन्होंने अनसा राख्या गोसत नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब क्या बताते हैं कि जब वो गाय जीवित की, परमात्मा उनको जिंदा महात्मा के रूप में गए, और कहते हैं हमने फिर वो गाय जीवित की, लेकिन उस समय मैं परमात्मा कह रहे हैं हजरत मोहम्मद जी के अतिरिक्त किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो जीवित मैंने की, और दर्शक ये मान रहे थे कि हजरत मोहम्मद जी ने जीवित की, लेकिन हजरत मोहम्मद जी को पता लग गया था कि ये मेरी ताकत से बाहर की बात थी। तो क्या बताते हैं कबीर साहब भी कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है और उसके कुरस पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर अलह तकत है, अरस कुरस पर अलह तकत है, उस परमात्मा का तख्त है और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि से कोई भी जीव बाहर नहीं है, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ओए होए, कहते हैं वो महात्मा जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद जैसे, वो तो एक पुण्य आत्माएं थी, पाक आत्मा थी, पवित्र आत्माएं थी, और परमात्मा के कृपा पात्र थे। फिर क्या बताते हैं कि अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अब्दाली, और 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया है, कि हजरत मोहम्मद जी के उस समय जब उनकी मृत्यु हुई 180,000 अनुयायी बन गए थे। तो यहाँ ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि उन पुण्यात्माओं ने, मुसलमानों ने कभी मांस छुआ तक नहीं, और आज तुमने ऐसा कर दिया कि मांस नहीं खाते हो तो मुसलमान नहीं, इतना कहते भाई है। अब इस मुसलमान धर्म के उत्थान को लगभग 1400 वर्ष हो गए, तो इसमें तो ये बुराई घर कर जाना एक स्वाभाविक बात है। अब ये सिख धर्म, इसको लगभग 500 वर्ष हुए हैं, 450 वर्ष बल्कि सिख धर्म के उत्थान को। वैसे तो ये कबीर साहब के पैरेलल ही नानक साहब जी समांतर थे, वो उनके समांतर हुए हैं, फिर 600 वर्ष ला लो। और अब इसमें सिख धर्म में मांस ऐसे खाते हैं जैसे गाजर मूली खाया करते हैं, और ये भी कुछ दिन में कहने लग जाएंगे हमारे गुरुजी भी खाते थे, वो तो महापुरुष ऐसे थे छुया भी नहीं करते, मांस शराब तम्बाकू उनके लिए तो एक बहुत विष के तुल था, और अपने अनुयायियों को वो सिख धर्म के गुरु कभी अलाउड नहीं करते थे, और आज देख लो वहाँ कितनी बिजली गिर गई। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार ये
मुसलमान धर्म के अंदर मांस खाने की जो परंपरा है बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चे ने कोई खाने लग गए तो कैसा लगे हमको। इसलिए परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि भी मांस खाना महापाप है। तो गरीबदास साहेब जी उन्हीं के द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे अपनी अमृतवाणी में चित्रित करें। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में एक धर्म राज है, न्यायाधीश है, लेखा लेगा सारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, ना बैरा करता रा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, क्यों कर हो दीदारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। भौजल बूढ़ गए हो भाई, भौजल डूब गए हो भाई, थारा की जेगा मुँह काला वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण अठारह वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। अब कबीर परमेश्वर जी मुसलमानों के मुल्ला और काजियों को समझा रहे हैं कि तुम जो मार्ग अपना रहे हो ये अपने सदग्रंथों से विपरीत है। अब हिंदुओं के पांडवों को ब्राह्मणों को धमका रहे हैं, समझा रहे हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण अठारह वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। जड़ को अंधरा पान खवावे, पत्थर की मूर्ति का गए फूल पत्ते चढ़ावे, तुलसी के पत्ते, जड़ को अंधरा पान खवावे, और भूल गया सृजनहारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, वहाँ बकरा झोटा मारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मांस मछलियाँ खाते पांडे, मांस मछलियाँ खाते पांडे, किस विद्र है अचारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। सौ जजमान नरक में चले, सौ जजमान नरक में चले, डूबे सौ परिवारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा। नहीं है दारम दारा वहाँ तो नहीं है दारम दारा।
छाती तोड़े हने जम क्यों करे, छाती तोड़े हने जम क्यों करे, वहां लग गए जम का लारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बे पाजी, दास गरीब कहे बे काजी, ना कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी समझाया करते थे, बताया करते थे, वही चित्रण एज इट इज गरीबदास जी ने अपनी लैंग्वेज में, वाणी में लिखा है। हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम वेदों को पढ़ते हो, लेकिन वेदों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि तुम जिस साधना को आप बताते हो, कहते हैं जड़ की मूर्ति बना ली, उसकी पूजा करने लग गए, भगवान भूल गए, और उस परमात्मा के दरबार में यानी धर्मराज के दरबार में जब तुम जाओगे, वहां पर न्यायाधीश बैठा धर्मराज, यहाँ के न्यायाधीश को भी धर्मराज कहते हैं, जो काल का न्यायाधीश है, तो वो कहता तुम्हारा सारा झाड़ा लेगा, काउंट लेगा, और वहां पर कोई, यहां तुम अपने मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हो इनसे वहां कोई छुटकारा आपका नहीं होगा, इसलिए सत साधना कीजिए और अपना, नहीं तो कहते हैं छाती तोड़े अनजम किंग करे, यम के दूध तुम्हें गेर कर वहां बुरी तरह कुटेंगे, और लग गए जम का लारा, वहां कहते इतना बुरी तरह पिटाई करते हैं यम के दूध, कहीं पर कुट पिट पटो कहीं लगो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं उनकी मार से, लेकिन दर्द बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है। अपने आत्मा, अब दो सदग्रंथों ने मिलकर परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया, अब जैसे एक पवित्र सदग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब, वही काशी वाला धानक दुलाहा, नानक साहेब जी को, क्योंकि आदरणीय नानक साहेब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे वो, और श्री कालू राम मेहता खत्री के घर जन्म था, और ब्रजलाल पांडे से वो नानक साहेब जी गीता पढ़ा करते थे, और उसी आधार से वो भगवान का जैसा ज्ञान उन्होंने सुन रखा था वैसे ही वो फाइनल मानते थे। तो परमेश्वर कबीर देव जी जब नानक साहेब जी सुल्तानपुर शहर में अपनी बहन नानकी के घर पर के वहाँ रह रहा था, और उसके यानी बहनोई ने जो कि सुल्तानपुर शहर के नवाब का के वहाँ अच्छा जानकार था, वहाँ उनके अधिकारी था, तो उसने ही नानक साहब को नौकर लगवा रखा था मोदी खाने में, खजाने में। तो प्रतिदिन बेई वहाँ सुल्तानपुर शहर के साथ से एक बेई दरिया बहती है, प्रतिदिन गर्मियों के दिन थे, प्रतिदिन स्नान करने के लिए नानक जी और अन्य ग्रामीण उस दरिया पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में, काशी से अंतर ध्यान होकर वहाँ प्रगट हुए लाहौर में जाके। अब पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान ही था सारा, वहाँ सुल्तानपुर में जाके प्रगट हुए, और वहाँ एक जिंदा महात्मा के रूप में उनसे वार्ता की बैठ करके, बहुत से भक्त वहाँ स्नान करने गए थे, वो बैठ के सुनते रहे, तो नानक साहेब जी से बहुत से प्रश्न उत्तर किए। फिर नानक साहेब जी स्नान करने के लिए ने जो ही डुबकी लगाई, परमात्मा ने अंतर ध्यान किया उनको और सचखंड लेकर के,
वहाँ दर्शकों ने जो स्नान करने गए हुए थे उन्होंने सोचा नानक जी मर गए, डूब गए, और सब जगह हाहाकार मच गया। गोताखोरों ने जाल डलवा दी, नवाब ने भी वहाँ सब नौकर भेज दिए, गोताखोर बुला लिए, जाल अब वो ढूंढे डाउन स्ट्रीम में और भगवान ले गए अप स्ट्रीम में ऊपर के जिधर से पानी आ रहा था। बहुत दूर दूर तक खोज करने के बाद सब ने कह दिया कि वो तो मर गए, डूब गए दरिया में। और नानक साहब को परमात्मा सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन नानक जी को उसी बेई नदी के किनारे पर सुबह सुबह देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और नानक साहब जी वापस आए, मोदी खाने में गए और सब खजाने को लौटा दिया। तेरा तेरा से आगे गिड़ा निक तेरा तेरा, पता लग गया कि तो नकली सांग है यहाँ पर। तो खजाना खाली करके जा बैठे एक जिंदा महात्मा का रूप बना के शमशान घाट में। बैराग हो गया उनको। पीछे से पता चला नवाब को कि आपके सेवक ने आपके मोदी खाने को ख़त्म कर दिया, लौटा दिया। तो सारा अकाउंट किया गया और जयराम नाम था उनके, जयराम जी नाम था उनके बेनहोई का, नानक जी के बेनहोई का, उसको बुला लिया कि तेरी मार्फत हमने उसको रखा था, कुछ भी घटा तो आपसे लूँगा। नवाब ने कह दिया था जयराम जी को, वो उनका साक्षी था यानी वहाँ पर जमानती था। जब सारा अकाउंट किया गया तो नानक साहिब जी के 760 रुपये और नवाब की तरफ अधिक निकले। उस समय के 760 आज का 760,000 हैं, ये समझ लो 600 वर्ष पहले। तो नवाब ने संदेशा भिजवाया, उनको बुलवाया कि आप अपने 760 रुपये ले लीजिए और फिर से नौकरी पर आ जाइए। तो नानक साहब ने कहा कि अब तो हम उस सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, यहाँ की सरकार की नौकरी हम नहीं करेंगे। तो उसने पूछा कि कौन सच्ची सरकार के उपरम सतपुरुष अकाल पुरुष उस परमात्मा की नौकरी करेंगे, उसका आदेश हो गया। उसका आदेश कब हुआ आपको? कि वो मुझे बेई नदी के में डूबने का बहाना करके सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूंगा, वो पृथ्वी पर भी आया हुआ है। तो पहली उदासी में नानक साहिब जी बनारस पहुंचे काशी में, क्योंकि वार्ता के दौरान परमेश्वर ने कहा था और ऊपर सचखंड में भी कहा था कि मैं काशी में बनारस में जुलाहे दानक का काम करता हूं और वहां आ जाना, तुझे सतनाम दूंगा। तो नानक साहिब जी वहां पहुंचे, देखा जो सतलोक में लेके गया था वो प्रभु, वही उसी रूप में वही परमात्मा जुलाहे का धानक का काम कर रहा है, खड्डी में बैठ के कपड़ा बुन रहा है। तब नानक साहिब जी ने आंखों देखा कहा था फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। अब वो धानक रूप रहा करतार है, अब सबको वहाँ वहाँ शोर आत्मा से रो रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं कि आ जाओ व्यक्ति लोगों, देखो ये धानक रूप रहा करतार, ये बैठा भगवान, ये सतपुरुष है, सचखंड में मुझे लेकर गया था। अब परमात्मा को बता था कि इस भोले आदमी की कोई नहीं माने। अब क्या बताते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानत है मुझ, कह कबीर तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, कि जो मेरे सतलोक में मुझे मेरे उस ऊपर के लोक को ओरल कंट्रोलर के रूप में मुझे देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा और तो मजाक उड़ावेंगे। तो ये वाणी जो नानक साहब की वाणी है, एक स्वान दुई स्वानी नाल बलकई बुकाई सदा बियाल, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता, ये 24 नंबर पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है कि धानक रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं, इन तीनों पवित्र सदग्रंथ धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड और वो साकार है, मनु सदृश है, सचखंड सतलोक में रहता है। और पवित्र वेदों ने यही सिद्ध किया, अभी दिखाते हैं।
अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 9 और 10 इकट्ठे जल्द किए, महर्षि दान सरस्वती। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली, इतने फोन और फैक्स नंबर हैंगे। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक प्रेस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 फुट ऑफ दी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए परमात्मा परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का सतलोक में इतना तेज है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, जिसको हम चरम दृष्टि से देख नहीं सकते। इसलिए परमात्मा अपने रूप को, रूप स्पष्ट लिखा है, अनुवादकर्ता ने भी लिखा है, सरल करता हुआ यानी अलका तेज पुंज का शरीर बनाकर वह कांति में परमात्मा, ये कवि लिख दिया, कवि यहाँ ये कबीर देव लिखना चाहिए, यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए, वो कबीर देव है, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को मिलता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। आगे देखो 27 और कमाल कर दिया, जो तेज पुंज परमात्मा को या जो परमात्मा जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां पर बैठा है, वही पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने कहा कि वो 6 दिन में सृष्टि रच कर तकत पर जा विराजा, वहां विराजमान है, प्रकाश रूप है। अच्छा, अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के यहां आ जाइए मंत्र नंबर 1 पर। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप, ये प्रकाश रूप लिखें बल्कि लिखना तेजो में शरीर युक्त, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव राजा के समान। देखो ये इनका अनुवाद राजा के, ये तो 269 पे और 270 पे अनुवाद किया इसका, राजा के समान, ये 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह है वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है आके। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे बिजली गिरती है
अपने गिरने वाले स्थान पर, जैसे बिजली काशी की कोई थारी हो वर्षा के दिनों में, तो हमारे माता दादी कहा करती थी ताई कि इनको उठा लाओ नहीं तो बिजली पड़ जाएगी, यानी उस धातु पर उसको अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे वो परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जिनको मिलने से वो अपना आगे ज्ञान प्रचार करा सकता है। अच्छा, अब देखना दो नंबर पे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप यह लिख दिया कबीर हैं, आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं या कबीर, इन्होंने इसको कवि का अर्थ कर दिया कबीर देव। देख जैसे शुद्ध स्वरूप हैं यानी बहुत अच्छे साकार हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दें। अब देखो पुणात्माओं, ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, देखने जोगा दर्शनीय है, और वो ऊपर धूलोक के यानी उस तेजो में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी ऊपर की सतह पर अरस कुरस पर सफेद गुमट है जहाँ सतगुरु, जहाँ परमेश्वर का डेरा, और वहां से गति करके चलकर आता है अति अत्यंत गतिशील पदार्थ की तरह वहां से चलकर आता है, और फिर दर्शनीय यानी उन दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वो कबीर देव है। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखना यजुर्वेद, ये यजुर्वेद है और महर्षि दान सरस्वती द्वारा अनुवादित है, ये इसका लेखक नहीं है, वो वेदों का केवल अनुवाद करता है। ये देखिएगा प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैरी सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय मैरी सिद्धांत सरस्वती कृत मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। फोन नंबर इतना इतने। अब इसके 36वें अध्याय में, इसके 36वें अध्याय में आप देखिएगा, ये 36वां अध्याय है। अथ 36वां अध्याय आरंभ, इसमें लिखा है कि रिचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहां यजु शब्द लिखा है, इसका दो अपसर्ग लगा रखे बस। अब अनुवादकर्ता जब बुद्धिमान होगा उसको लिखना पड़ेगा इस ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है, यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और ही, जैसे उन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, मेधावी कर दिया, तो लेकिन वो जहाँ यहाँ यजु का अर्थ कुछ और कर दे तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 1 है यो, और यहाँ देखिए स्वामी दानंद जी ने इसका अनुवाद बिल्कुल जैसे करना चाहिए, मतलब अर्थ यही किया यजु का, और तो बाकी बात की बातें। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को, यजुर्वेद लिखना पड़ा और चाहिए था, अगर यहाँ लिख दें इसका अनुवाद कर दें यजु का अर्थ है यज्ञ सतुतियों सतुतियाँ, यजु माने कि यजु यज्ञ सतुतियाँ जिसके अंदर हों, लेकिन वो पुस्तक लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है। अगर हम यजु भी बोले इसको यजु यजुर भी बोले तो भी यजुर्वेद का बोध होगा। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।